If you want to watch this recipe in English, please click the link given in description box. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कायरा और रेणुका में स्वागत है। इस वीडियो में हम अंजीर और खजूर की मिठाई बनाना बताएंगे। यह मिठाई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाली है, और क्योंकि इसमें सूखा मेवा है ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि सूखा मेवे में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन ये सब होते हैं। जितनी भी सामग्री दिखाई जा रही है उसमें अंजीर और खजूर के अलावा दूसरी सामग्रियों को आप अपने घर में जो भी सूखा मेवा है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरे सूखे मेवे को भी आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर अंजीर नहीं है तो सिर्फ खजूर, और अगर खजूर नहीं है तो सिर्फ अंजीर से भी ये मिठाई बना सकते हैं। खजूर से बीजे निकालकर अंजीर और खजूर को सबसे पहले मिक्सी में थोड़ा पीस लीजिए। अब बाकी सूखे मेवों जिसको भी आप डालना चाहते हैं उसको आप अपने मन के हिसाब से किसी भी शेप में काट लीजिए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बाकी सूखे मेवों को हल्का हल्का भून लीजिए। पर अगर आपको घी नहीं डालना है और मेवों को नहीं भूनना है तो मेवों को बिना भुने भी आप मिक्सचर में डाल सकते हैं। घी में भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे भून रहे हैं। याद रखिएगा, खसखस को आप थोड़ा अलग से भूनें। अब कढ़ाई में पिसा हुआ अंजीर और खजूर का जो मिक्सचर था उसे डाल दीजिए और मीडियम या लो फ्लेम में 5 से 8 मिनट तक पका लीजिए। 5 से 8 मिनट के बाद अंजीर और खजूर दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब इस अंजीर और खजूर के मिक्सचर में बाकी जो सूखे मेवे आप कट करके रोस्ट करके रखे थे उसे मिक्स कर दीजिए, लेकिन थोड़ा खसखस बचा के रखिए। मिक्स करने के बाद आप कढ़ाई से अपने मिक्सचर को निकाल लीजिए और एक दो मिनट थोड़ा ठंडा होने के बाद, हल्का जब वो गर्म ही रहे तभी आप इसे शेप देना स्टार्ट कर दीजिए। इस मिक्सचर को किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। अगर आपको इसका लड्डू बनाना है तो आप लड्डू बना लीजिए, अगर किसी और शेप में कट करना है तो आप किसी और शेप में कट कर लीजिए। बट कट करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो सेट हो जाए, और किसी धारदार चाकू से आप फिर शेप जिस शेप में चाहें उस शेप में कट कर लीजिए। अच्छा दिखाने के लिए हम ऊपर में थोड़ा बचे हुए खसखस को चिपका रहे हैं। फ्रिज में सेट होने के लिए रखने से पहले आप इसे फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर या क्लिंग रैप, या अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई सा भी साफ़ सुथरा पॉलीथीन में आप रैप कर दीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए कम से कम। तीस मिनट के बाद आप फ्रिज से निकाल कर अपने जो भी मनपसंद शेप साइज़ है उसमें आप धारदार चाकू से कट कर लीजिए। आपकी मिठाई रेडी है। कभी कभी बच्चों को कब्ज की शिकायत होती है तो आप ये स्वीट दे दीजिए। इसमें अंजीर और बादाम है जो कि फाइबर, जिसमें बहुत सारा फाइबर है, तो ये उसमें भी लाभदायक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक आइकन को क्लिक करिए।